सर, अपना ईद मिलादुन नबी के हवाले से आप माशरे को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी और हुजूर की मुकद्दस विलादत पर तमाम उम्मत मुस्तफ़ा के अफराद को, साहिबान ईमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हुजूर के मिलाद की मुबारकबाद के साथ साथ एक दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ। और मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ भी है कि खुदा करे आज के मुकद्दस दिन की बरकतों की बदौलत अल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा के और पाकिस्तान के उसी अजमत रफ्ता के सिलसिले को फिर से जारी फरमा दे, फिर से राइज फरमा दे। और एक जो परेशानियां और तकालीफ और आजमाइशें वतन अजीज़ पाकिस्तान में आई हैं, अल्लाह पाकिस्तान को हर किस्म के शर से महफूज फरमा दे, हर किस्म की आजमाइश से महफूज फरमा दे। सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि मिलादुन्नबी के जितने अय्याम बाकी हैं माह रबी नूर शरीफ के, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम की तिलावत की जाए ताकि दुरूद के नूर से ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए, कब्र और हशर भी बेहतर हो जाए। सर, अपना ये बताएं कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है कि दो ईदों का हवाला तो हदीस में भी है, कुरान पाक में भी है, तीसरी ईद का हवाला नहीं है, इस पर मैं आप क्या कहेंगे? इस पर मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि अकली दलाइल, अल्लाह ने अक्ल सलीम हर शख्स को अता फरमाई है। सिर्फ़ एक ही गुजारिश है और वो ये कि अगर आपको मिलादुन्नबी का हवाला दरकार है और आप ये चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि मिलाद कहाँ पर लिखा है और ईद मिलादुन्नबी कहाँ पर लिखी है, तो मेरा उन अहबाब से ये सवाल होगा कि जिस किताब में आपको नमाज तहज्जुद की आज़ान मिल गई है उसी किताब में आपको मिलाद मुस्तफ़ा भी मिल जाएगा। जिस किताब में आपको यौमुल वतनी की खुशियां मिल गई हैं उस किताब में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी भी मिली होगी। सरकार की आमद को आप मुतनाज़े ना बनाएं, ये ईद दोनों ईदों की सरदार ईद है जिसकी बदौलत अल्लाह ने हमें दूसरी दो ईदें अता फ़रमाईं। अल्लाह हुजूर की उम्मत की झोलियों को खुशियों से मामूर फरमा दें। थैंक यू। जी।